जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों आज हमारे पास है मारुति नेक्सा का प्रोडक्ट, मारुति सुजुकी बलेनो। दोस्तों बलेनो का बेस वेरिएंट है, मतलब सिग्मा वेरिएंट, क्या कुछ मिलता है इसके अंदर, क्या डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है, सब कुछ आज इस वीडियो में प्रॉपर होने वाला है, सारी डिटेल आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और बिना देरी किए वीडियो करते हैं शुरू, और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। तो दोस्तों अगर चाबी की बात करें तो चाबी भाई मारुति की जानी पहचानी, पीछे सुजुकी का लोगो और इस तरह की चाबी आपको देखने के लिए मिलती है। अब देखो फ्रंट से शुरू करते हैं क्या कुछ मिलेगा। बारिश शुरू हो चुकी है दोस्तों, आप देख रहे होंगे कितनी अच्छी बारिश भी पड़ रही है, तो मानसून में मानसून ऑफर चल रहा है तो सारी बात करेंगे। तो भाई बलेनो का सिग्मा वेरियंट है, मतलब बेस वेरियंट 6,66,000 रुपये एक शोरूम कीमत है, लेकिन मानसून में 53,000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। अब देखो मिलता क्या क्या है इसके अंदर, वो सब बात करेंगे। तो सबसे पहले एक शोरूम तो मैंने बता ही लिया 6,66,000। इंजन की बात करें तो इसके अंदर 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इनलाइन नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, और पावर की बात करूं तो 88 BHP की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने के लिए मिलता है। अब देखो फ्रंट से क्या कुछ मिलेगा। तो सबसे पहले तो ग्रिल देख लो, कुछ इस तरह की मैट ब्लैक फिनिश में ग्रिल मिल जाती है, बीच में सुजुकी का लोगो। इस तरफ आ जाए तो देखो प्रोजेक्टर बेस्ड फ्रंट में हेडलैम्प मिल जाती है, इंडिकेटर आपको ब्लिंक होता हुआ दिख रहा होगा, फॉग लाइट मिलती नहीं है, नीचे रेडिएटर ग्रिल वगैरह कुछ इस तरीके से मिलेगी। इस तरफ आ जाए तो देखो इसके अगर टायर सेक्शन की बात 185/65 की प्रोफाइल के साथ 15 इंच का स्टील रिम मिल जाता है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, रियर में ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं। भाई बेस वेरिएंट में जो है फ्रंट फेंडर पे इंडिकेटर मिलता है, उसके बाद ओआरबीएम की बात करूं तो वहां सादा सिंपल नॉर्मल मिलता है, डोर हैंडल्स भी आपको ब्लैक कलर में ही देखने के लिए मिलते हैं। ऊपर की तरफ देखें तो कुछ इस तरीके का आपको एंटीना देखने के लिए मिलेगा। अब पीछे वाली प्रोफाइल पे आ जाते हैं, देखो पीछे ब्लिंक होते हुए आपको इस तरीके से ये इंडिकेटर तो दिख रहे होंगे। उसके बाद देखो टेल लाइट का सेटअप ये हो गया। उसके बाद पीछे वाले बम्पर में 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, इस तरफ सुजुकी का लोगो और यहाँ पर बलेनो की ब्रांडिंग मिल जाती है। पीछे ग्लास में बात करें तो डिफॉगर मिल जाएगा, रियर स्पॉयलर मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाती है, ऊपर एंटीना दिखा दिया। इस तरफ देखें तो भाई फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ, 37 लीटर कैपेसिटी का आपको फ्यूल टैंक देखने के लिए मिलता है। अब एक काम करते हैं, ये हो गया दोस्तों इसका बाहर का प्रोफाइल, अब अंदर की तरफ बैठते हैं और देखते हैं अंदर और क्या आपको कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो करते हैं डोर को ओपन इस तरीके से, तो डोर ओपन हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर डोर ट्रिम्स देख लो भाई, फैब्रिक कुशनिंग मिल जाती है, ब्लू कलर में मिल जाती है। इसे कर देता हूँ मैं बंद, और यहाँ पर देखो चारों पावर विंडो, उसके बाद साइड सेल्फी बटन, और यहाँ पर गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन, डोर हैंडल्स इस तरीके से मिल जाते हैं। ओआरवीएम को मैनुअली हाथ से ही एडजस्ट करना है, ये सबसे खराब बात है इस गाड़ी में। उसके बाद देखो यहाँ पर आप देख सकते हो बॉटल होल्डर, मैप पॉकेट मिल जाती है, कोई स्पीकर नहीं मिलता, सिर्फ स्पीकर ग्रिल देखने के लिए मिलती है। सीटिंग की बात करूँ तो भाई फैब्रिक कुशनिंग आपको देखने के लिए मिलेगी, फ्रंट में दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर देखें तो ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन, और यहाँ पर जो है हेडलाइट एडजस्टेबल मिल जाता है। नीचे की तरफ देखो भाई तीनों पैडल के साथ में डेड पैडल तो दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद देखो यहाँ पर आ जाते हैं, अंदर बैठकर बात करते हैं। तो आते हैं अंदर की तरफ, और एक काम करता हूँ सबसे पहले इसका इग्निशन ऑन करता हूँ और फिर गाड़ी को करता हूँ स्टार्ट। बाहर तो बारिश हो रही है आप देख सकते हैं। तो जी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, और अब देख लो भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लो इसका, यहाँ पर टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, बीच में एमआईडी मिल जाती है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन एमआईडी पे मिलेगी। यहाँ पर ये ट्रिप चेंज करने के लिए, यहाँ पर मोड चेंज करने के लिए मिल जाता है। स्टीयरिंग पे बात करें तो भाई टिल्ट का ऑप्शन देखो, टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक का नहीं मिलता है। यहाँ पर देखो तो वॉशर के कंट्रोल मिल जाते हैं इस तरीके से, ये देखो साफ भी हो गया, और उसके बाद यहाँ पर हेडलाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इस गाड़ी के अंदर भाई बेस वेरिएंट है तो कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता, ना ही कोई स्पीकर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर देखें तो एसी वेंट का डिजाइन इस तरीके से, हेजार्ड बटन यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है भाई, बलेनो के बेस वेरिएंट से ही आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। नीचे की तरफ देखें तो 12 वोल्ट का एक पोर्ट मिल जाता है, यहाँ पर फोन रखने की जगह, 2 कप होल्डर, यहाँ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्पेस देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर ग्लोब बॉक्स देखें तो इस तरीके का डिसेंट सा आपको स्पेस मिल जाता है। डोर ट्रिम्स आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो, यहाँ पर ऊपर आ जाए तो ग्रैब हैंडल यहाँ पर आपको मिल जाता है इस तरीके से। यहाँ पर एक लाइट और आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर देखें पैसेंजर साइड में जो सनशेड है उसके अंदर कोई वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, यहाँ मैनुअल डिमिंग IRVM मिलेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर ड्राइवर साइड में जो सनशेड है वो भी आपको नॉर्मली मिलता है। तो ये है दोस्तों इसका फ्रंट कैबिन का सेटअप। अब देखो सेफ्टी की बात करूँ तो इस वेरियंट में 2 ही एयरबैग मिलेंगे, लेकिन ABS EBD और ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये तो हो गया इस तरीके से। अब एक काम करते हैं रियर सीट पर चलते हैं, वहां क्या कुछ मिलेगा तो वहां चल के देखते हैं। तो दोस्तों आ गए इस तरफ और करते हैं रियर डोर ओपन।
भाई यहाँ पर देख लो, यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरह की कुशनिंग मिल जाती है, पावर विंडो का ऑप्शन, डोर हैंडल्स इस तरीके से, यहाँ पर बॉटल होल्डर और स्पीकर ग्रिल मिलती है। पीछे की सीट बहुत भाई शानदार बना दिया, तीनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ 3 पॉइंट सीट बेल्ट और साथ में 60-40 का ऑप्शन मिलता है। बहुत अल्टीमेट है दोस्तों, कुशनिंग वगैरह तो नॉर्मली ही मिलेगी। उसके बाद ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर ग्रैब हैंडल मिल जाता है, डोर ट्रिम्स ये हो गए। उसके बाद यहाँ पीछे देखो एक 12 वोल्ट का पोर्ट मिल जाता है, फोन वोन रखने का स्पेस मिल जाता है। टॉप एंड वेरिएंट में तो यहाँ पर एसी वेंट्स मिलते हैं, लेकिन इस वेरिएंट में स्पेस खाली छोड़ दिया है तो फोन रख सकते हो आप। उसके बाद पीछे से देखो तो यहाँ पर डैशबोर्ड कुछ इस तरीके दिखेगा, ये लाइट मैंने आपको दिखा दी। इस तरफ आ जाता हूँ निकल के बाहर और इसका जो है बूट ओपन कर लेता हूँ, बूट में आपको कितना स्पेस मिलता है, तो करते हैं बूट को ओपन। ये लो जी बूट ओपन हो चुका है भाई। कैपेसिटी की बात करूँ तो 318 लीटर की कैपेसिटी मिल जाती है इसके अंदर। स्पेयर व्हील देख लो सेम साइज का मिल जाता है, कोई डिफरेंस नहीं स्पेयर व्हील में। यहाँ वाली जो सीट है ये 60-40 में मैंने आपको दिखा दी, पार्सल ट्रे इस वेरिएंट में नहीं मिलती है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये जो है टेलगेट अच्छे से प्रॉपर कवर कर रखा है। इसे कर देता हूँ मैं बंद और आ जाता हूँ इस तरफ। और हाँ बस इतना ही रह गया दोस्तों, इसके इंजन वगैरह की बात कर रहा था तो एक काम करता हूँ इसका इंजन भी खोल के ही दिखा देता हूँ। गाड़ी स्टार्ट भी है, देखो इंजन नॉइज भी सुन सकते हो आप, स्टार्ट है, वाइब्रेशन भी चेक कर सकते हो, कोई वाइब्रेशन नहीं मिलता है। उसके बाद देखो इस तरीके से बैटरी वगैरह का पूरा प्लेसमेंट यहाँ पर आप देख सकते हो, नीचे कवर्ड मिलेगा, यहाँ इंसुलेशन सीट वगैरह, ऐसे यहाँ पर इंसुलेशन सीट वगैरह मिल जाती है, यहाँ से वॉशर फिल करना है। दोस्तों ये थी मारुति सुजुकी बलेनो, सिग्मा वेरिएंट था, बेस वेरिएंट, क्या कुछ अंदर मिला क्या कुछ बाहर मिला सब कुछ बात मैंने आपसे की। डिस्काउंट की बात थी तो भाई बेस वेरिएंट पे भी 53,000 रुपीज का मानसून डिस्काउंट चल रहा है। वारंटी रह गई दोस्तों, वारंटी 3 साल की या 1,00,000 किलोमीटर जो भी पहले हो अब मारुति के पूरे लाइनअप के ऊपर देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, सो जय हिंद।